नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। 5 मिनट स्टोरी पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दी क्रिसमस का टाइम था, बहुत खूबसूरत समय था। एक क्रिश्चियन फैमिली की कहानी है। अभी भी क्रिसमस आ रहा है। आपको पता है कि क्रिश्चियंस जो होते हैं वो उनके लिए क्रिसमस एक दिवाली की तरह, नववर्ष की तरह है। वो बहुत शॉपिंग करते हैं, नए कपड़े बनवाते हैं। मुसलमान भी ईद पर ऐसा ही करते हैं। तो एक क्रिश्चियन फैमिली थी और बहुत दिन बाद जो है बाहर गांव से माँ शहर पर बच्चों के पास आई थी। पूरा परिवार लिस्ट बना रहा था तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम मेरी माँ से भी पूछ लो, उसे कुछ चाहिए हो तो। बोले आपकी माँ को क्या चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोड़ी कपड़े और खाना वो हम दे रहे हैं। इस उम्र में माँ क्या करेगी, क्या नए कपड़े पहनेगी। फिर भी चलो मैं तुम्हारी माँ के लिए साड़ी ले आऊँगी। तो उसने बोला कि फिर भी तुम मेरी माँ से पूछ लो, माँ गाँव से आई है, हमारी जिम्मेदारी है, उनकी ज़रूरत की भी कोई चीज़ हो सकती है। तो बोले नहीं, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं चाहिए होगा। बेटा क्या करता, बेटा फिर भी माँ के पास गया, बोला माँ तुम्हें कुछ चाहिए। माँ ने कहा नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा बोला नहीं माँ चाहिए तो ये पेन कागज़ लो, लिस्ट बना दो। तो उसने कहा, उसने बेटे को कागज़ पर कुछ लिख कर दिया। बेटे ने बिना पढ़े उसे पॉकेट में रख लिया। पत्नी के पास पहुंचा जो गाड़ी में बैठी इंतजार कर रही थी। बोला देखा माँ को भी कुछ चाहिए था, हमारी जिम्मेदारी अपने माता पिता के बारे में, उन्हें क्या ज़रूरत की चीज़ें चाहिए हमें पूछ लेना चाहिए, तुम्हें पूछ लेना चाहिए था, तुम पूछती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। पत्नी ने बोला ठीक है, पर एक बात समझ लो, पहले जो भी सामान खरीदना है मैं अपने लिए खरीदूंगी, फिर तुम्हारी माँ के लिए खरीदूंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। पत्नी मॉल गई और वहाँ जाकर उसने बहुत सारा सामान खरीदा और ख़रीद कर शॉपिंग करने लग गई। लास्ट में बोली अब मैं गाड़ी में जाकर बैठ रही हूँ, तुम्हें जो अपनी माँ के लिए खरीदना है खुद खरीद लो। तो हस्बैंड बोला ऐसे क्यों कर रही हो, तुम भी मेरे साथ रहो ना, साथ में मिलकर खरीदते हैं। तो बोली लिस्ट खोलो। लिस्ट जैसे ही खोली लड़के की आंखों से आंसू निकलने लग गए, वो रोने लगा। तो बोली क्या मांग लिया ऐसा तुम्हारी माँ ने कि तुम्हें रोना आ गया, पूरा घर गाँव मांग लिया होगा, छोटे बेटे के लिए शॉपिंग करने को बोला होगा, हमसे तो उन्हें प्यार ही नहीं है, ब्ला ब्ला तमाम तरह की चीज़ें बोलती रही। और बेटे के हाथ से जैसे ही पत्नी ने लिस्ट पकड़ी और उसे पढ़ना चाहा तो उस पर लिखा हुआ था बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्नी ने जैसे ही लिस्ट को खींचा और पढ़ा तो उसकी आंखों से भी आंसू निकले, क्योंकि उसमें लिखा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 2 पल फुर्सत के चाहिए। तेरी घड़ी के अंदर से आधा घंटा तेरे पास हो तो मैं गांव से आई हूँ, मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल पूछ लेना, कुछ बचपन की बातें कर लेना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों रोने लगे और शर्मिंदा होकर, खासकर उसकी पत्नी। दोस्तों, क्रिसमस हो, नया साल हो, दिवाली हो या होली हो, माता पिता के पास बैठकर 5 मिनट सिर्फ ये पूछ लो आप कैसे हो, माँ बचपन की कोई बातें बता दो। ये खूबसूरत ज़माना, ये खूबसूरत टाइम फिर कभी नहीं मिलेगा। जब माता पिता तस्वीर पे लटक जाएंगे ना तो लाख कोशिश कर लेना, उस तस्वीर में से जवाब नहीं मिलेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। ना उन्हें आपका पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, सिर्फ आपके 2 मिनट के सुकून के 2 पल और इज्जत के 2 बोल चाहिए। अपने माता पिता को इज्जत दीजिए, सबसे बड़ी पूंजी है माता पिता। और जो खुशी आप उन्हें देंगे ना वो करोड़ों गुना होकर ज़िंदगी में आपके पास लौट कर वापस। उम्मीद करती हूँ 5 मिनट स्टोरी पर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।